What's up, club members? How you all doing? Welcome to another video to the Club Talks. This is your boy Asad. तो आज हम लोग revisit करने वाले हैं Yamaha की most favorite bike Yamaha R15 V3 को, जो गाड़ी 2019 में इंडिया में लॉन्च हुई एंड लॉन्च होते ही यूथ की वन ऑफ द फेवरेट बाइक बन गई थी. Yamaha R15 V3 के बारे में आज हम बात करेंगे एंड इसमें क्या हमें नया देखने को मिलेगा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना. एंड अगर आपको गाड़ी अभी भी ख़रीदनी हो तो उसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर कॉमेंट्स में लिखना, मुझे अच्छा लगेगा, मैं क्लैरिफाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना. R15 V3 के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स में से ये एक है. एंड 2020 में मैंने खुद ख़रीदी है, मेरे पास है ये बाइक, मैंने काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस किए हैं. अगर आपको जानने हो तो मेरे पुराने वीडियो ज़रूर आप देख लेना. प्रेजेंट मैंने इसको कंप्लीट ब्लैक रखा हुआ है और जितनी कस्टमाइजेशन इस बाइक के लिए आई है वो किसी और बाइक के लिए पूरे इंडिया में नहीं है. मतलब जितने इसके लिवरीज आए हैं, जितने एक्सटर्नल आफ्टर मार्केट पार्ट्स आए हैं, इसके एक्सेसरीज आए हैं, मतलब कि कंप्लीट कस्टमाइजेशन के लिए ये एक पैकेज है. बहुत सारे लोगों ने ये बाइक खरीदी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है एंड आज Yamaha इसको फिर से पॉपुलर करने वाला है. यानी कि Yamaha R15 V3 के दो नए कलर्स आने वाले हैं. जैसा कि आप ICN के एक रिपोर्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है Yamaha R15 S V3 इन टू न्यू कलर्स टू लॉन्च ऑन 11th April. भाई मुझे ये 11th April का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये शायद एक अप्रैल प्रैंक भी हो सकता है या फिर सच में भी हो सकता है. 99% सच होने के चांसेस है, क्योंकि आज ही सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने रशलेन वेबसाइट से ये एक इमेज मैंने देखा. यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ब्लॉक योर डेट, जॉइन अस एज वी कम टुगेदर टू अनलीश अ स्टाइलिश, स्पोर्टी एंड एन एक्साइटिंग न्यू फ्यूचर विथ Yamaha. 5 PM ऑनवर्ड्स April 11th, 2022. यानी कि अप्रैल 11th को एक अच्छा खासा इवेंट होने वाला है. ये माना जा रहा है कि ये एक डीलर इवेंट होगा, तो डीलर्स के लिए पहले ये गाड़ियाँ लॉन्च की जाएंगी. गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, MT-15 भी लॉन्च हो सकती है, उसके साथ Yamaha की दो नई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स E01 एंड नियोस, ये दो गाड़ियाँ लॉन्च हो सकती हैं. एंड अप्रैल 11th को ही शायद R15 V3 के दो नए कलर्स भी लॉन्च हो सकते हैं. तो हम इस लॉन्च से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से नए कलर्स हमें देखने को मिलेंगे? शायद हमें R15 M की तरह कलर्स देखने को मिल जाए R15 V3 में भी, या फिर Yamaha की 60th एनिवर्सरी पर एक नई R15 M की लिवरी लॉन्च की गई थी, तो शायद वो कलर स्कीम भी हमें R15 V3 में देखने को मिल सकता है. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. और गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इस गाड़ी में लगा हुआ है 150cc का 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि Yamaha की रेसिंग DNA का है, FI इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 18.6 PS का मैक्सिमम पावर एंड 14.1 Nm का पीक टॉर्क. और इस गाड़ी में हमें मिल जाता है 6-स्पीड गियरबॉक्स. R15 V3 MT-15 की तरह डिसकंटिन्यू नहीं की गई है. R15 V3 अभी भी काफ़ी ज़्यादा यूथ में पॉपुलर है एंड R15 M से थोड़े कम प्राइस पॉइंट पे आती है, तो इसका जो बेसिक वेरिएंट है वो हमें 1.58 लाख में देखने को मिलता है. ये एक शोरूम प्राइस है, डिफरेंट स्टेट्स में हमें डिफरेंट प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी. मैक्सिमम वेरिएशन 2-3 हज़ार का रहेगा. तो अगर आप बेसिक वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करें तो वो कुछ अराउंड 1.78 या फिर मैक्सिमम 1,80,000 तक का आता है. तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट है. नए कलर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, और शायद जल्द ही MT-15 V2 यानी कि वर्जन 2 भी रिलीज़ होने वाली है. तो आप लोग कौन सी बाइक ख़रीदना प्रेफर करोगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना. ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में.